नमस्कार। आज इस वीडियो में मिर्गी की आयुर्वेदिक दवाइयों के बारे में बताएंगे। मिर्गी के उपचार के लिए बाज़ार में दवाइयां आसानी से मिल जाती हैं। मिर्गी की दवाइयां मेडिकल स्टोरों पर आसानी से मिल जाएंगी, लेकिन यह दवाइयां निश्चित रूप से दुष्प्रभाव वाली होती हैं। हालाँकि स्थिति को ठीक करने के लिए आप प्राकृतिक उपचार भी कर सकते हैं, जिसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता। इन दिनों मिर्गी के मरीज स्थिति से राहत के लिए प्राकृतिक उपचार और कुछ अन्य प्रभावी वैकल्पिक उपचार आजमाने का विकल्प चुनते हैं। कुछ प्राकृतिक उपचार को साधारण अनुसंधान का समर्थन मिलता है और वे जोखिम मुक्त होते हैं। आपको मिर्गी के उपचार के लिए क्या क्या खाना चाहिए, चलो जानते हैं। नंबर एक, पेठा भी असरदार। पेठा औषधीय गुणों से समृद्ध है। इसका पोषण और औषधीय विशेषताएँ स्नायु तंत्र के सहज कामकाज सुनिश्चित करती है। पेठा का छिलका उतार लें और इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। इन छोटे छोटे टुकड़ों को निचोड़ कर इससे रस निकाल लें और रोज़ सुबह पिएं। इससे मस्तिष्क की कोशिकाएं मजबूत होंगी और दौरे का कम पड़ेंगे। नंबर दो, तुलसी की पत्ती। तुलसी की पत्ती में कई औषधीय गुण हैं और यह एक जानी मानी प्राकृतिक औषधि है। तुलसी की ताज़ी पत्तियां खाने या इसका रस निकालकर पीने से स्नायु तंत्र मजबूत होगा और मस्तिष्क को शक्ति बेहतर होगी। इससे दौरे और बेहोश के मामलों में प्रभावी कमी आती है। तुलसी के 3-4 पत्ते रोज चबाकर खाएं या उसका रस निकालकर पिएं। रोज 3-4 बार नियमित रूप से ऐसा करने से फायदा होगा। नंबर तीन, अंगूर का रस। अंगूर में फ्लेवोनोइड्स की मात्रा ज़्यादा होती है, जो मिर्गी के लक्षणों को प्रभावी ढंग से रोकने में मददगार होती है। अंगूर में मैग्नीशियम के स्रोत अच्छे होते हैं, जो स्नायु तंत्र को मजबूत करते हैं और प्रतिरक्षा प्रणाली को दुरुस्त करते हैं। इससे स्नायु तंत्र को आराम मिलता है और मिर्गी के लक्षण वाले लोग रोज़ अंगूर का ताज़ा जूस पिएँ। नंबर चार, लहसुन भी फायदेमंद। लहसुन में ऐंठन और उत्तेजनारोधी गुण होते रहते हैं, जो स्नायु तंत्र को सहज कामकाज को बढ़ावा देते हैं। नियमित रूप से लहसुन खाने से दौरे नहीं पड़ते और मिर्गी के दूसरे लक्षण भी सामने नहीं आते। दरअसल लहसुन के औषधीय गुण मुक्त कणों को नष्ट कर देते हैं। पानी और दूध के संतुलित मिश्रण में उबले हुए लहसुन के 4-5 टुकड़े पीसकर मिलाकर रोज़ पानी से स्नायविक स्वास्थ्य बेहतर होता है। मिर्गी के लक्षणों वाले लोगों के लिए लहसुन लाभदायक है। नंबर पाँच, नारियल तेल। नारियल तेल में फैटी एसिड से भरपूर होते हैं। यह मस्तिष्क की कोशिकाओं में ऊर्जा का प्रवाह बढ़ा देते हैं। आप चाय के चम्मच से एक चम्मच नारियल से सीधे निकला तेल पी सकते हैं या फिर खाना पकाने में नारियल तेल का उपयोग कर सकते हैं। ये सभी औषधीय गुण मिर्गी में फायदेमंद हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।